बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप लोग के संगठन का यहाँ पर में समागम हुआ है, सम्मेलन हो रहा है, क्या कुछ प्रोग्राम का उचित है सर, इसके बारे में अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार, मैं अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ का महामंत्री हूँ और इस पूर्व मध्य क्षेत्र जीवन बीमा निगम अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के पंचम त्रिवर्षीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हूँ। इस पंचम त्रिवर्षीय सम्मेलन जो पूर्व मध्य क्षेत्र जीवन बीमा निगम अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ का एक दिवसीय है, इसके उद्घाटनकर्ता के रूप में अभी श्री आलोक कुमार मेहता जी आने वाले हैं, लैंड एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, और मुख्य अतिथि के रूप में श्री भुवन भूषण कमल जी जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं वो नई दिल्ली से आ रहे हैं। इसके अलावा JDLO श्री AK ब्याहूत जी रहेंगे और बिहार झारखंड और उड़ीसा के तमाम लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। ये इन उपस्थिति में हम लोग अभी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो बिहार के हों या अखिल भारतीय स्तर के हों या भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर के हों, हम उस पर उसकी चर्चा करेंगे और कोई ना कोई निर्णय लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है संपूर्ण भारतवर्ष में जाति जनगणना। बिहार की सरकार ने इसका नेतृत्व किया है और हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ पूरे भारतवर्ष में हो, जिससे हमारे अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम के आंदोलन के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को जो उसका वाजिब हक है वो मिले। ये हमारा प्रथम मुद्दा। दूसरा ये है कि संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती सूची में भारतीय न्यायिक सेवा को शामिल किया जाए, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज UPSC इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, ये सब की नौकरी ले रही है तो जुडिशरी में भी ये होना चाहिए। इसके वजह से हम लोगों का, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का बहुत सारा हक मारा जाता है। जो न्यायपालिका का एक स्तंभ है, भारत सरकार के जो एक स्तंभ है न्यायपालिका, उसमें न्यायिक सेवा को शामिल करना चाहिए और होना चाहिए। न्यायिक सेवाओं में और सुरक्षा सेवाओं में आरक्षण चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण चाहिए, जनसंख्या के समानुपातिक आरक्षण की व्यवस्था हो, मलाईदार सतह की अवधारणा खत्म हो, एक पदों की समूह समतुल्यता है उसको आना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रीय संपर्क पदाधिकारी जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से होना चाहिए। ये कुछ ऐसे डिमांड हैं हमारे जो अखिल भारतीय स्तर के हैं। का प्रयास किया है, लागू किया है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में अगर इसको लागू किया जाए उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिएगा? बिल्कुल, हम लोग इस स्तर पर कहना ये चाहेंगे कि अभी हम अपने अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के माध्यम से यहाँ पर एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसके आधार पर हम प्रबंधन को, इसके अलावा जैसे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ आते हैं, जैसे यहाँ मंत्री जी आने वाले, उनके माध्यम से या NCVC के मेंबर आने वाले, उनके माध्यम से हम इसको ये इस बंद कमरे तक नहीं रखेंगे, इसको हम सरकार के स्तर तक ले जाएंगे, राज्य सरकार के स्तर तक ले जाएंगे, केंद्र सरकार के स्तर तक ले जाएंगे और जहाँ तक संभव हो सकेगा हम इसके लिए डिमांड करेंगे कि ये जातीय जनगणना हो। यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मतलब पूरे भारतवर्ष में जो है जी इसका गणना, इसको हम लोग मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये गणना होती भी है तो पूरे भारतवर्ष में अगर ये जातीय जनगणना हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है सो आप लोगों की संख्या ऊपर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बढ़ेगी, बढ़ना तो है। आप ही देखिए 1931 के हिसाब से जिस समय की हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग लोग या अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत विपन्न स्थिति में रहते थे, उस समय अगर हम है 50%, तो आज जबकि आर्थिक स्थिति सुधर रही है तो हमारी प्रतिशत तो बढ़ना ही है, बढ़ना ही। और उसको आप कैलकुलेशन कीजिए, उस नौकरी में देखिए, रिजर्वेशन में देखिए, धन संपत्ति में देखिए, फिल्म के क्षेत्र में देखिए, खेल के क्षेत्र में देखिए, धन दौलत में देखिए, किसी भी चीज़ में देखिए, किसी इंडस्ट्री में देखिए कि हमारी हाथमारी हो रही है कि नहीं। हमको उसका जब वाजिब रूप मिलेगा तो सभी जगह हाथ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।